ओम देव दत्त 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 ओम राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म सद्गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज ओम गुरुदेव दत्त 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 ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ऐं ग्लीं गं गं गणेशाय वरद्वरद सर्वजनम यशमाने स्वाहा यशमाने स्वाहा यशमाने स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं श्रीं ऐं सौं द्रां दत्तात्रेयाय ओम गुरुदेव दत्त ओम क्रीं 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 ओम भद्रकाल इंद्रकाल वज्रकाल देहि परमेश्वर भुवन श्याम भव सर्वजनम यशमाने स्वाहा यशमाने स्वाहा ओम ज्वाल 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 स्वाहा लक्ष्मी नरसिंहा अकर्षयाम अकर्षयाम ओम गुरुदेव दत्त ओम मातृदेवो भव ओम पितृदेवो भव ओम आचार्य देव ओम गुरुदेव दत्त 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 परिष्कार मार्ग यूट्यूब चैनल प्रेक्षक महाशय आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ साई दत्तानंदा। मैं गुरुजी नहीं, मैं स्वामी नहीं, एक अन्वेषक है। ये मंत्र शास्त्र यंत्र शास्त्र नवरत्न मूलिका रुद्राक्ष और वास्तु ये शास्त्रों में मैं अभी तक अन्वेषण करते रहता हूँ, रिसर्च करते रहता हूँ। ये रिसर्च में अन्वेषण में जो भी सक्सेसफुल है वो मैं प्रजा लोगों को बोला समस्या में आए तो वही यूज़ करता हूँ। अभी तक कई लोग हजारों लोग फल लेके मेरा गुरुजी से मेरे से अच्छा हो के दत्ता महाराज का आशीर्वाद से 10 लोगों को कोई नहीं बोल रहा, मेरे यूज़ एंड थ्रू कर ले रही। आज मैं ये यूट्यूब चैनल से मैं रिटायर्ड होके आज़ाद होके आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। कोई भी अंदो मुर्गी को अपन अंडे देने के लिए घर ढाप के रखते ना गंपे के नीचे, वैसा ढाप के लगे अंडे देते ही लात मार के मुर्गी को कैसा भिजाते वैसा कर दिए मेरे। आज आप लोगों के सामने ये जीवित काल 100 साल भगवान दिए सो उसमें बोनस टाइम है 90 साल तक बसता आदमी जिंदगी गुजरता, वहाँ से भरोसा नहीं है। मेरा 64 ईयर्स है, अभी मेरा काल परमिति नजीक आ रहा, जीवित काल परमिति। इसलिए मैं ये प्रजा लोगों को ऐसा मंत्र यंत्र शास्त्रों में ये यज्ञ करो वो करो ये करो बोल के लोगों को पीड़ित करते, ये पीड़ित करने वाला गुरुजी है, गुरुजी लोग यहाँ रहते और बोध करने वाला बोधा गुरु रहते। ऐसा लोग बोधा गुरु बोले तो रामायण पुराण रामायण महाभारत भागवत बोलने वाला बोधा गुरु, पीड़ित करने वाला पीड़ा गुरु, ये पीड़ा गुरु बाधा गुरु बाधा करने वाला पीड़ा गुरु बोले तो पीड़ित करने वाला बोले तो 10,000 लाओ 15,000 लाओ और 50,000 लाओ ऐसा बोलते, वो पीड़ा गुरु है पीड़ित करने वाला। वैसा गुरु लोग करें नको जाओ पर प्रॉब्लम ऐसे होकर भगवान अपने को के लिए प्रॉब्लम्स के लिए कुछ आइटम्स दिया। ये कोकत क्या करे रुद्र जी रुद्र शिव जी राक्षस लोगों के लिए वो लोगों को अंतर हरण करने के लिए वो लोगों को हरण करने के लिए राक्षस लोग पाप ज़्यादा बढ़ गया और प्रजा लोगों को हिंसा कर रही वो लोगों को हरण करने के लिए शिवजी सूरज के सूरज को तपस करा आंख खोल के हजारों साल तपस करा आंख खोल के वो दर्शन होगा ब्रह्मा जी दर्शन हो के तो उनको एक सृष्टि का एक धनुष दिया उससे वो लोगों को हर दिए हरण कर दिए। हरण करने के बाद उनका आँख बंद करने के दर्शन होने के बाद वो ब्रह्मा जी दर्शन हो के वरण देने के बाद शिवजी आँख बंद करने को ट्राई करा, बंद करते होगा तो उसमें से आँख में से एक पानी निकलता। अभी भी अपन सूरज को देखे थोड़े देर के बाद आँख बंद करो पानी निकलता, वैसा पानी जमीन के अपना पृथ्वी के ऊपर गिरा, ये पृथ्वी के ऊपर शिवजी का पानी गिरा। वो पानी जो गिरा ना वो शिवजी का जटाई जुट से बोले तो श्री शिवजी का कौन सा भी वन दो उससे एक पावरफुल आदमी नहीं तो पावरफुल उस तो भी चीज़ बाहर निकलता। एक वक्त तो उनका जटा जुट निकल के बाहर फेंके तो उसमें से खाल माना भद्र वीर भद्र निकला। एक वक्त तो उनका
पार्वती बाजू बैठ के बोलता, स्वामी कुछ दुर्गंध आ रहा। बोले तो दुर्गंध पूरा निकाल के ऐसा मारे तो दुर्वास महाराज से निकला। वैसे इनका अंग का रुद्र का अंग में से ये पानी में से नीचे पृथ्वी में गिरा ना, वो पानी में से वो रुद्र का अंग बोले तो अक्षम, रुद्र अक्षम बोले तो अक्षी, बोले तो रुद्र अक्ष, रुद्राक्ष बोले तो रुद्र, रुद्र जी का यह अंक, अंकों में से निकला रुद्राक्ष का, रुद्र अक्षम बोले तो ये पानी वो भूमि के नीचे के जमीन के ऊपर गिरा ना, वो रुद्राक्ष का वृक्ष बन गया। वो वृक्ष जो है उसमें से रुद्राक्ष निकलता, और रुद्राक्ष पेन लिए तो पॉजिटिव रेसेस रहता, इसमें मैग्नेटिक पावर भी रहता। ये दो काइनों के बीच में रख के ऐसे पकड़े तो ईस्ट नॉर्थ साउथ बताता, ऐसे एक कोकता ऐसा फिरता। देखिए आप लोगों टेस्ट करके देखिए, ये रियल रुद्राक्ष टेस्टिंग है। ये रियल रुद्राक्ष पानी में डाले तो डूब जाना, ये रियल नहीं है तो ऊपर आता। इसके अंदर भींज रहना, शीट रहना, ये जो बीज रहे ना, ये सीड रहे तो ही ओरिजिनल है, वो पानी में डाले तो डूब जाता। वह इसके अंदर बीज नहीं है तो ऊपर आ जाता, सीड नहीं है तो सीड्स रहना। ऐसा है इसमें एक मुखी रुद्राक्ष बहुत पावरफुल बोलते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, गौरी अपना भद्राक्ष मिलता, भद्राक्ष बोले तो वो विश्वामित्र का सृष्टि, भद्राक्ष में तो पावर नहीं रहता। रुद्राक्ष एक मुखी नहीं मिलेगा, उसका बदली में गौरी शंकर रुद्राक्ष बोल के रहता। गौरी शंकर रुद्राक्ष बोले तो रो रुद्राक्ष गौरी और शंकर जी ऐसा लोग सम्मिलित आलिंगन कर जैसा रहता, वो उनका योनि का प्लेस में इनका लिंग अंदर जा रहे जैसा दिखता, यही इसका पहचान है। ये रुद्राक्ष पहनने में अपने को आरोग्य समस्या, आर्थिक समस्या और विदेश जाना जाने का, और मुख्य एक संदेश क्या है बोले तो, ये भाई पति पत्नी झगड़ा कर लेते, प्रॉब्लम्स होते रहता घर में, वैसा पति भी पहन सकते, पत्नी भी पहन सकते, लेडीज़ भी पहन सकते रुद्राक्ष। इसमें कुछ ये नहीं है, दोष नहीं है। कुछ लोग बोलते रुद्राक्ष लेडीज़ नहीं पहनो, जिप नहीं करना, ये पहनने में पति पत्नी अन्योन्यता रहता है, प्रेम भावना रहता। इसमें डुप्लीकेट बना रहे लोग कैसा बोले तो, ये रुद्राक्ष लेते, ये रुद्राक्ष लेके दो रुद्राक्ष लेके इसको आधा आधा फाइलिंग कर देते, घिसते थे, जिससे क्या ऐसा लगा के इसको सोल्यूशन से टच कर, ये चुपका देते, इसको टच कर देते, ये चुपका है तो इसको लैब में ले जाके आप टेस्टिंग करो, ये रियल रुद्राक्ष है इतना रियल रुद्राक्ष बोल के आता। मगर इसको दोनों को चुपकाए सब कोई नहीं पहचानते, लैब भी नहीं पहचानते, इसलिए इसको पहचानना ये कि है, ये नीचे ये लिंग्स रहता, योनि रहता और लिंग रहता शिव जी का, ये जो टच करे से नहीं रहता, ये पार्वती का कम रहता, परमेश्वर का बड़ा रहता। ये गौरी शंकर रुद्राक्ष बोलते, गौरी का छोटा रहता, गौरी शंकर का बड़ा रहता, गौरी शंकर रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष पहन लीजिए, आपको रिजल्ट नहीं आए तो बोलिए, 100% आप लोगों को किधर भी मिलेगा, आप देख लो ना। आप लोगों को समझ में नहीं आए तो फोटो निकल के हमारे रखो, व्हाट्सअप करो, देख के हम बोल देते, नहीं गुरुजी आप ही देना बोले तो हम भी भेजा देते कोरियर में, आप फ़ोन करें तो। जय गुरुदत्त।